स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप जो आज वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो से आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, यानी स्टूडेंट बहुत सारी बेमतलब की जो मेहनत करता है, वो मेहनत आपकी इसमें कम हो जाएगी। यानी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कि कम से कम में कितने में आपका 100% मार्क्स आ सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 23 तारीख तक का आपको समय है, 24 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो आज से 16 तारीख से पहले दिन आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है। अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो फिर आगे के लिए आपका जो सफर है, जो तैयारी है, उसमें कम प्रयास में आप अधिक रिजल्ट ले सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं यहाँ हर चैप्टर को डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि किससे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, 2023 के एग्जाम में आपका केवल 70% आना है, 30% कट है, वो आना ही नहीं है। ठीक, तो अब देख लेते हैं। पहला सेक्शन तो रीडिंग सेक्शन, जिसमें अनसीन पैसेज आना है। तो अनसीन पैसेज कम से कम आपको 10 से लेके 20 अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि इसके लिए विशेष प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां से आप जो क्रैश कोर्स इंग्लिश का वो परचेज कर सकते हो। उधर पे मैंने कम से कम 40 अनसीन कराए हैं, 40 का डबल लगभग 70-80 अनसीन के आसपास हैं, उसमें मैंने कराए हैं, उससे आप मदद ले सकते हो। तो अनसीन, और वैसे नॉर्मली आप कम से कम 20 अनसीन की प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। अगर वो नहीं भी फंसे, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो रीडिंग सेक्शन जो है पहला, वो अनसीन आएगा। इसके बाद जो राइटिंग सेक्शन होगा उसमें एक आर्टिकल होगा। अब आर्टिकल दो टाइप के होंगे, डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल, वो मैटर नहीं है। एक आर्टिकल आएगा आपका, एक लेटर आएगा और कंप्लेंट लेटर आएगा। हालांकि बिजनेस लेटर नहीं आना है, एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो आर्टिकल, लेटर या एप्लीकेशन में से भी पूछ सकता है। तो इसके लिए एक्सपी क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाना आप लोग। प्ले लिस्ट में आपको लेटर भी मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट, और आर्टिकल भी मिल जाएंगे। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप वेट करें, आगे देखें। अब है अगला जो है आपका, वो है ग्रामर सेक्शन। इस ग्रामर सेक्शन में की जो तैयारी है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपको 16 तारीख के बाद से जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं, आप फिर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। हर टॉपिक उसमें पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, सारा कुछ पढ़ा है। और जो भी 16 तारीख के बाद आपके पास वीडियो आए, उन सारे वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि आपकी टेंशन पूरी खत्म हो जाए, आप उनको कवर कर लें। इसके बाद आता है आपका, ये तो हो गई ग्रामर। ग्रामर के बाद जो मेन चीज है वो है आपका बुकैब। तो बुकैब के लिए मैं एक ऐसा वीडियो आपको दूंगा कि जिसमें, हालांकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कई वीडियोस पड़े हैं बुकैब का, आप देखेंगे बुकैबलरी होगी, उनको आप फिलहाल में तैयार कर लें। इसके अलावा 16 तारीख के बाद जितने भी बुकैब से संबंधित वीडियो आए वो आपको कवर कर लेना है, उसके बाहर बुकैबलरी नहीं जाएगी। उसमें आपका एंटोनीम, सिनोनीम, रन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, ये सारी चीजें आपकी आई, समझ गए। एरर करेक्शन से संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, आएगा, मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ एरर करेक्शन सिंटेक्स के अंतर्गत भी आती है, तो वो सारी चीजें इस पर वीडियो मिलेंगे। रही बात ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन से संबंधित भी वीडियोस पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में देखो। इसके अलावा अभी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन की वीडियो, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको। फ्रेजल वर्ब वगैरह की वीडियो भी आपको मिलेगी, और फिगर ऑफ स्पीच का भी मैं वीडियो दूंगा। फिगर ऑफ स्पीच हालांकि पोएट्री के अंतर्गत पूछा जाता है, आपको टेंशन नहीं लेनी, इसका भी वीडियो, फिगर ऑफ स्पीच का भी वीडियो पड़ा है। आप फिगर ऑफ स्पीच सर्च में डालें और पीछे एक्सपी क्लासेस डाल दें, आ जाएगा। इसके अलावा अब सेक्शन जो डी है उसमें आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सेक्शन सी तक आपकी ग्रामर थी, अब सेक्शन डी में लिटरेचर सेक्शन है, पूरा टेक्स्ट बुक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, इसमें आपका पहला, दूसरा, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, और फिर इसके बाद बाकी 8 में से 3 कटे हैं, और डीप वाटर, रेड ट्रैप और इंडिगो, ये चैप्टर आने हैं। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर यह क्या ये पूरे करना जरूरी है? नहीं। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको दिमाग में डाल दे रहा हूँ, इनको करना है। आप कोई भी 3 चैप्टर फिलहाल में अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे तो पहला, दूसरा, तीसरा कर सकते हैं। वैसे पहला, दूसरा, तीसरा मोस्ट है, इंडिगो भी मोस्ट है, या लास्ट के 3 कर सकते हैं, शुरुआत के 3 कर सकते हैं। फिलहाल में आप इतना
परफेक्टली तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगर चैप्टर के अर्थ नहीं पता आपसे तो आप इन चैप्टर्स के अर्थ के लिए इन चैप्टर का नाम डालें और एक्सपी क्लासेस डालें, सर्च कर दें, आपको मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 3 चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। रही बात इनके क्वेश्चन आंसर से संबंधित, शॉर्ट आंसर से संबंधित वीडियो की, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एक शॉर्ट आंसर का वीडियो पड़ा है। और अगर ना भी मिले तो आपको बहुत जल्दी पूरे प्रोज के शॉर्ट आंसर का और पूरे सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर का वीडियो इकट्ठा एक ही वीडियो में, प्रोज प्लस सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर की वीडियो मैं आपको 17 के बाद से प्रोवाइड कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो पोएट्री। अब रही बात इसके लॉन्ग आंसर की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर के अभी प्रोज और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर की वीडियो आपको मिल जाएगी, टेंशन आपको नहीं लेना है। इसके बाद पोएट्री सेक्शन आते हैं, तो पोएट्री सेक्शन में हालांकि एक पोयम कटी है अ रोड साइड स्टैंड, बाकी सारी आनी है, लेकिन फिलहाल में आप 3 पोयम बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अगर नहीं तैयार है तो प्लेलिस्ट से जाके तैयार कर लें या पोयम का नाम डालें, सर्च कर दें, हो जाएगा, आप इसको तैयार कर सकते हो। तो पहली तैयार कर लें, दूसरी तैयार कर लें और तीसरी तैयार कर लें, या मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप 4 भी तैयार कर सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन फिलहाल में 3 तैयार कर लें 5 में से बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद यदि टाइम मिले तो 1 कर लें, अन्यथा इसी में से आपका फंस जाएगा। लेकिन 3 पहले ये कर लें, फिर इसके बाद कर लें, समय बहुत है, आराम से कर, लेकिन 3 पहले बिल्कुल रट लें। इसके बाद देखें सप्लीमेंट्री में भी आपके 6 चैप्टर टोटल आने हैं, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो पहला, दूसरा और 5वां, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो पहले 3 में कहूंगा ये 6 से तैयार कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, इनके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर की वीडियो दिए जाएंगे, यानी जो लिटरेचर सेक्शन में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के वीडियो आने हैं उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको उसके 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, ग्रामर का 1 शॉर्ट मिलेगा, वोकैब का 1 शॉर्ट मिलेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और भी जो इसके अलावा वीडियोस मिले आपको सारे कवर करना है। तो ये तो था इसका एनालिसिस। अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे, तैयार करोगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं जाएगी, आप 100% मार्क पूरे इंग्लिश में ला सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।